मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। गुड इवनिंग मंजीत, कैसे हो? प्रणाम भैया, मैं अच्छा हूँ और सबको मेरा प्रणाम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं शाहजहानपुर यूपी से रहने वाला हूँ। और शाहजहां यूपी में कहाँ? ये यूपी में लखनऊ के पास पड़ता है शाहजहानपुर जिला, तो शहीदों की नगरी है जहाँ से राजपाल यादव जी हैं, वहीं से मैं हूँ। कहाँ, गांव का नाम क्या है? गांव है हमारा बिलंदपुर गद्दीपुर। क्या वहाँ क्या करते थे? हमारा फैमिली बस किसान है और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से है। जी। क्या नाम पापा का? श्री महेंद्र सिंह। क्या करते हैं वो? वो किसानी खेती करवाते हैं। कितने भाई बहन हो आप? हम चार भाई हैं, दो बहन हैं। तो कितना तक आपने पढ़ाई किया, कहाँ से किया? मैंने शाहजहानपुर से पढ़ाई किया है इंटर तक, उसके बाद मैंने बरेली से किया, बीए फाइनल किया है। पढ़ाई में लगता था? हाँ लगता था, लेकिन मीडिया लाइन से और पॉलिटिक्स से ज़्यादा लगता था। तो मैं एक अखबार में रिपोर्टर भी रहा, फिर उसका ब्यूरो चीफ भी रहा, फिर एक अन्ना हजारे जी की पार्टी थी उससे जिलाध्यक्ष भी रहा। जी। कैसे अगर माए नगरी पहुँचे, कैसे आना हुआ यहाँ पर, क्या आपने वहाँ किया, यहाँ पर क्या किया, कुछ बताएंगे? जी, मैं सुल्तानपुर में विप्रो कंपनी का मैनेजर था, तो उसके बाद एक मेरा ऐड आता था, उसी में उसका फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐड आता था, तो वही नंबर लगाया, बात किया, तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही आ गया इस लाइन में। पहला वीडियो फिल्म कौन सा था, किसके साथ किया था? पहला एल्बम मेरा था शहर के तितली एल्बम, वो गणेश सिंह के साथ था। कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? कोई खास नहीं था, शुरुआत किया था, डर लगता था इतना। ज़्यादातर प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला कि मुंबई के रूप किया आपने? मैंने यूपी और दिल्ली से ज़्यादा काम किया, उसके बाद जब लगा कि मुंबई से मुझे लोग जान रहे हैं, मेरी बात होती है, तब मैं मुंबई आया। मैंने 2 से 3 साल कंटिन्यू बाहर से ही काम किया, मुंबई कभी आया ही नहीं था। जी, कैसा लगा मुंबई आके आपको? नहीं, अच्छा लगा, तकलीफ तो होती है लेकिन पहचानते हैं सब, यही मेरे लिए बड़ी बात है। किस किस को जानते हैं बॉलीवुड भोजपुरी में? मैं डायरेक्टर्स या किसके बात कर रहे हैं आप? किस डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा करीब हैं, प्रोड्यूसर के, हीरो के, हीरोइन के, जिसके नाम बताना चाहेंगे जो आपको मदद किए हों या प्रोत्साहन दिए हों? रवि किशन जी हैं, पवन सिंह हैं और सरोज मिश्रा जी हैं, देव पांडे जी हैं, राजकुमार सर हैं, मीडिया में संजय भैया हैं। कितना मज़ा आ रहा है मुंबई आकर के? नहीं, मज़ा आ रहा है बहुत सारा, लेकिन मेहनत बहुत है, और सुना भी है कि मेहनत जितना करोगे उतना ज़्यादा सफलता मिलेगी। मुंबई में आकर क्या क्या किया अभी तक? अभी लगभग 4-6 महीने तो मेरे सिर्फ मिलने मिलाने में गए, और चल रहा है, लेकिन जो भी है। क्या लगता है, गाड़ी पार हो जाएगी? बिल्कुल, ठान के रखे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। रात में कोई सपना आता है? मुझे सपने तो अक्सर भैया मच्छी के आते हैं, करंट लगने के आते हैं, और भोलेनाथ जी के, सांप जी के आते हैं, यही सपने आते हैं अक्सर। क्या भोलेनाथ जी क्या कहते हैं? अक्सर उनके बीच ही मेरे घेरा देता हूँ। हाँ, चारों तरफ से सांप। हाँ जी, और माता जी का आशीर्वाद है भोलेनाथ जी का, मैं दो ही लोगों को ज़्यादा मानता हूँ। जी, अपने परिवार को कुछ कहना चाहते हो? परिवार के लिए मैं जितना बोलूँगा उतना कम है, क्योंकि परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जब भी जो चाहा वो कराया, टेली किया, वैसे किया, मोबाइल पेन किया, GTI किया, ITI किया, क्रिकेट भी खेला कई राज्यों में, हॉकी भी खेला, इन कभी किसी ने मना नहीं किया मुझे। कुछ लोगों का नाम लेना चाहोगे सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करते? मैं फैमिली की बात करें आप, पूरी फैमिली को नाम बताओ। मम्मी पापा भाई बहन सब ने मुझे अलग अलग सपोर्ट किया, कभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो पापा से लिया, तो मम्मी से चाहिए तो वो पापा को नहीं बताएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि पापा दे चुके हैं तो मम्मी देती हैं, और उसके बाद अगर लगता था तो बहन चुप्पे से देती है, भाई देते हैं, तो इस तरह से। कभी चोरी की हो? हाँ, चोरी मैंने किया था, क्लास 5 में था, तो उस टाइम 5,000-10,000 बहुत होता था, मैंने संदूक होता था बड़ा सा, उसमें एक साइड का वो ऊपर करके पूरा गड्ढी निकाल लिया था, तो मारा नहीं था पापा ने, पैसे सिर्फ निकाले थे मैंने महज मटर के लिए, उसमें बहुत चलता था, सबको खिलाना यही सब शौक था, तो मैंने पूरा गट्टी निकाला था उसमें से, तो उसमें से कुछ नोट निकाले थे फाड़ फाड़ के,
बाद में पापा ने बंद किया था मुझे रूम में, मारा नहीं था लेकिन डराया था, पूरा दिन बंद किया था मुझे। क्या सीख मिली उससे? उस सीख यही मिला कि गलत है, क्योंकि हमेशा घर वालों ने अपनी औकात से ज़्यादा मुझे दिया जी। कभी ऐसा मोड़ आया जहाँ आप रोए हो किसी चीज को लेकर के? हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ। फिल्मी लाइन के लिए हुआ ऐसा कि इससे बढ़िया मैं 10-20 लाख 5 लाख लगा के बिजनेस कर लूँ और हमेशा पैसा जाता है सबका। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ कि लोग बोलते कुछ है होता कुछ है इस लाइन में जी। नए जो कलाकार अभी आ रहे हैं जितना मैं संघर्ष किया उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास सपोर्ट है और आपकी पहचान है, तभी इस लाइन में आए। कि इस लाइन में क्या है, 4-6 फिल्म बाहर से अगर करके आ रहे हैं मुंबई में तो भी आपको नया करना पड़ेगा। किस किस फिल्म में अभी तक अभिनय किया है, नाम बता फिल्म का? मैंने हिंदी फिल्म गरीबी में मैं लीड किया, कम बजट का फिल्म था। गरीबी में मैं लीड किया मैंने, गरीबी फिल्म का नाम था गरीबी। गरीबी जी। कौन डायरेक्टर था? और संजय सिंह थे। हाँ। वो डायरेक्टर राइटर भी थे, उसका दिल्ली में शूटिंग हुआ था। और डे नाइट फिल्म हिंदी था, उसमें 4 लीड था, फर्स्ट लीड मेरा ही था। और भोजपुरी मैंने दिल ले गए ललकी उड़निया वाली मेरी पहली फिल्म थी। और उसके बाद मैंने धर्मयुद्ध की सेकेंड लीड में। और एल्बम मैंने लगभग 50 से 60 किया है, हिंदी भोजपुरी पंजाबी हरियाणवी में। कोई फिल्में रिलीज हुई आपकी? हाँ, गरीबी भी रिलीज हुआ है और रुद्रधाम की महिमा भी हिंदी रिलीज हुआ है। क्या रिस्पॉन्स मिला? ठीक है, उस हिसाब से बजट नहीं था लेकिन चल रहा है। बाकी यूट्यूब पे भी आ गया रिलीज होने के बाद। हाँ। जी। कोई फिल्मों से आपको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला? आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन पहचान मिल गई। कि कभी ये नहीं होता किसी स्टूडियो में जाना तो कि कौन हो, तो सब बोलते हैं मंजीत सिंह यूपी वाले हो, इतना पहचान मिल गई मुझे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।